युवराज, आप तो एक छोटे से बालक को भी वश में नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बालक को और छोड़ दीजिए स्वर्ग के सिंहासन को भी। एक छोटे से बालक से भी जो परास्त हो जाए, उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना कदापि शोभा नहीं देगा। अरे धिक्कार है आपकी वीरता पर, क्या मुख लेकर लौटेंगे आप स्वर्ग लोग? जब समस्त संसार मारुति की लीलाओं से अवगत हो चुका था, अहो उनसे क्या क्या कराता है? मित्र गजानन, तुम मारुति को बहुत ही प्रिय लगे, किंतु मारुति को लगता है कि तुम्हें यही रहना है। एक बालक मुझे परास्त कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मित्र गजानन, यदि मारुति से कोई भूल हो गई हो तो मारुति को क्षमा कर देना। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं। वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। क्यों लग रहे हैं ये? मारुति ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? मारुति पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। अंजना, अंजना संभालो अपने आप को। मेरा पुत्र मेरे कारण मुझसे दूर चला गया है, कहीं खो गया है वो। मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मारुति मुझे बताकर नहीं जाता। बताइए, मारुति को संभालने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही था ना? बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूं। महारानी जी, ये रहा युवराज का डमरू, शिवालय में रखा था। देखो डमरू, मिल गया ना, भगवान भोलेनाथ की शरण में था। इसी प्रकार हमारा पुत्र मारुति भी भगवान भोलेनाथ की छाया में है। उसे ना तो सूर्य का ताप हानि पहुंचा सकता है और ना ही कोई उस पर संकट आ सकता है। वो मिल जाएगा, हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाएगा। वो कहीं खोया नहीं है। बालक कोई वस्तु नहीं होते जो खोकर मिल जाए। आपके अपमान का प्रतिशोध आपका ये वज्र लेगा देवराजेंद्र। परंतु मुझे शंका है देवराजेंद्र कि कहीं आपका वज्र भी इस बालक के आगे व्यर्थ ना हो जाए।
मारुति, मारुति। ईश्वर का आशीर्वाद भी तभी काम आता है जब आप उनका मान रखते हुए स्वयं भी सजग रहे। जो स्वयं असावधान रहे उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा सकता। आंधी से जैसे दिए की रक्षा करते हैं, वैसे ही नन्हे बालक को संभाल कर रखना चाहिए। अपने आंचल में सहेज कर रखने वाले कोमल पुष्प होते हैं बालक। मारुति को तो सूर्यदेव के मार्ग में ही होना चाहिए था। मारुति, ध्रुवलोक? कहीं ध्रुवलोक में तो नहीं चला गया? चलाइए वज्र निदेव, चलाइए वज्र, अन्यथा ये सारा संसार आप पर हंसेगा, आपका सिंहासन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहार कीजिए वज्र से, क्रूर प्रहार। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? देवराज इंद्र वज्र प्रहार करने जा रहे हैं मारुति पर।